हेलो भाई, मैं आपका दोस्त हर्ष। तो जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था, मेरे मामा जी ने परचेज़ किए सेकंड हैंड वैगनार 2013 मॉडल। ठीक है, वीडियो मैंने चैनल पर डाल रखी है, जिसने देख ली वो ठीक है, नहीं देखी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वीडियो का, जाओ जाकर देख लो। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ फरीदाबाद इस गाड़ी को लेकर, जहाँ से ली थी, इसकी सर्विस वगैरह करवाने। और इसके स्टीयरिंग में थोड़ी सी आवाज़ है, वो मैं दिखाऊँगा आपको, मतलब सुनाऊँगा। ठीक है, क्या कुछ इसमें आवाज़ है और गाड़ी में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है हल्की फुल्की, वो करवानी पड़ेगी। देखो सेकंड हैंड लेते हैं तो थोड़ा बहुत तो देखो करवाना पड़ता है, ये दिक्कत उसमें आती है। तो चलते हैं वहाँ फरीदाबाद में और दिखाता हूँ क्या कुछ रहने वाला है। तो अगर मैं गाड़ी में थोड़ी सी कमियों की बात करूँ तो गाड़ी में देखो वाइब्रेशन है। ठीक है, सर्विस की पता नहीं कब हुई है कब नहीं हुई, वाइब्रेशन गाड़ी में बहुत है, हाथ पूरा हिल रहा है भाई, फ़ोन में नहीं दिखेगी। ठीक है, और स्टेयरिंग में थोड़ी सी आवाज़ है, ये सुन रही होगी एंड पे, ये देखो। ठीक है, ये देखो जैसे कि सुन ली होगी कि भाई स्टेयरिंग में जो आवाज़ है ना, ये तो डीलर बोल रहा है कि भाई ये हमारी तरफ से है, ये हम खुद करके देंगे, इसे ठीक करा के, तो हमें बस सर्विस वगैरह करवानी है, बाकी गाड़ी अपनी ओके। ये देखना ज़रा इंजन में वाइब्रेशन, देखना ज़रा इसकी कूलेंट का डब्बा देखो ज़रा, ये देखो इंजन ज़रा कैसे हिल रहा है एकदम, बहुत बुरी तरह हिल रहा है कैमरे में तो दिखना रहा। तो भाई यहाँ हम पहुँच गए फरीदाबाद। ठीक है, यहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है, आज है ना लास्ट मंडे है, तो उसकी वजह से सारी मार्केट सारी दुकानें सब कुछ बंद है, तो गाड़ी में ना हो पाएगा भैया आज कुछ भी। तो मैं क्या सोच रहा हूँ ना कि इसमें जो स्टेयरिंग की आवाज़ है वो तो खैर डीलर ही कराएगा, उसको तो बाद में कराते रहेंगे, इसकी सर्विस वगैरह करवा लेते हैं पलवल चल के। ठीक है, क्योंकि पलवल पास पड़ेगा बहुत, तो फिलहाल अभी पलवल जा रहे हैं, वहाँ जाके इसकी सर्विस वगैरह और इसमें म्यूज़िक वगैरह का जो थोड़ा बहुत काम होना है वो करवा दूँगा। तो भाई गाड़ी लेके फिलहाल है ना हम पहुँच गए हैं पलवल में। ठीक है, पूरे दिन फरीदाबाद में हांटने के बाद, क्योंकि आज ऐसा है ना आखिरी सोमवार है, सारी की सारी दुकानें बंद पड़ी थी, तो यहाँ गाड़ी का काम हो रहा है मोहन मोटर्स करके। ठीक है, यहाँ अपनी गाड़ी लगी हुई है, इसमें फुल सर्विस जो है वो अपनी होनी है, जिसमें कि अपना एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, इंजन ऑयल, ये सारी चीज़ें, एसी फिल्टर, ये सारी चीज़ें इसमें चेंज होंगी। क्या कुछ इसमें रुपए लगेंगे वो भी बताऊंगा। और भाई एक और बात बता रहा हूँ, डीलर से गाड़ी लो तो हज़ार बारी चेक कर लो भाई, हो सकता है मैं इसी वीडियो में बताऊँ या हो सकता है मैंने पिछली वीडियो में बताया हो, लेकिन भाई डीलर से बहुत पछताओगे गाड़ी लेके। कूलेंट के नाम पे भाई सिर्फ इसमें पानी भर रखा है, और स्टेपनी के नाम पे इस गाड़ी में है ना एकदम गंजा टायर मिला था, जिसके लोहे के तार निकल रहे थे बिल्कुल। तो फिलहाल यहाँ इसकी सर्विस वगैरह हो जाने देते हैं, बाकी अपना आगे पलवल में देखते हैं, घूम के आते हैं इसमें, क्योंकि स्टीरियो है लेकिन ख़राब पड़ा है, लाइट जलती है लेकिन गाने नहीं बजते, गाड़ी में स्पीकर नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ इसका सिस्टम है, तो इसमें जो कुछ भी काम करवाएंगे ना, सही बोल रहा है, गाड़ी नया टेम्पू ले लिया 2013 मॉडल, बाकी आगे चलते हैं इसका स्टीरियो वगैरह का जो कुछ भी होना है ना, आगे दुकानें देख के आते हैं इसकी। तो भाई गाड़ी की सर्विस वगैरह तो देखो डन हो चुकी है, यहाँ पलवल में इसमें थोड़ा सा साउंड का बेसिक काम करवा लेते हैं, जैसे स्टीरियो और स्पीकर वगैरह। ठीक है, क्योंकि ऐसा है ना, मामा को शौक वगैरह तो है ना कि धुम धुम सुनने का, उन्हें बस ये चाहिए होता है स्टीरियो और स्पीकर बज रहे हो बस। तो एक बार ये देख लो, पुराना वाला जो स्टीरियो था ना वो इसमें से निकाल दिया है, ये इसमें स्पीकर डल रहे हैं JXL के, और JXL का इसमें स्टीरियो है। ठीक है भाई, बहुत सस्ता सा है, ठीक ही बज रहा है। ठीक है, स्पीकर इसके 1200 के हैं और ये स्टीरियो इसका 1500 का है। तो भाई गाड़ी में सर्विस से लेकर ऑडियो के काम तक हर एक चीज़ें डन हो चुकी है इस गाड़ी में। अब इस गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है सिवाय एक स्टीयरिंग की आवाज़ को छोड़ के, वो जो मैंने दिखाई थी ना मोड़ने पे कट कट की आवाज़ आ रही है, वो आवाज़ है उसमें बस, उसके अलावा गाड़ी एकदम ओके हो चुकी है। सर्विस कॉस्ट की बताऊँ तो अपना वही है, 3000 के आसपास आ गई थी इसमें, इंजन ऑयल, स्पार्क प्लग, ऑयल फिल्टर, एसी फिल्टर, एयर फिल्टर, ये सारी चीज़ें इसमें चेंज हुई थी, और सारा कूलेंट चेंज हुआ है। ठीक है, एक बार ही इंजन की कंडीशन देख लो फिलहाल की। ठीक है, सारा कूलेंट चेंज हुआ है, पुराना वाला सारा निकलवा दिया था, नया कूलेंट इसमें डलवा दिया। ठीक है, तो भाई सारी चीज़ें मैं आपको दिखा चुका हूँ गाड़ी में। ठीक है, एक बार ये भी बता देना कि गाड़ी ये जिस रेट पे ली है, ठीक रेट पे ली है नहीं ली, ये गाड़ी ली थी जैसे मैंने बताया था 2,30,000 की ली थी, 2013 मॉडल, कंपनी फिटेड CNG। कमेंट में एक बार ही बता देना। बाकी यही थी आज की वीडियो, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।